ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين الله پاک نے इंसान की गायत तख्लीक इंसान को पैदा करने का वाहिद और आखिरी मकसद अल्लाह पाक की बंदगी करना बयान फरमाया। और ये बंदगी भी इख्तियार के साथ, वरना अल्लाह पाक की तस्बीह तहमीद नमाज कायनात की हर चीज पढ़ रही है और जिस चीज पर भी शय का इतलाक होता है वो शय अल्लाह पाक की तस्बीह बयान फरमा रही है। तो सब्बिहु लहु समावात सब्र वल अर्द वमन फीहिन वइन मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिहि वलाकिन ला तफ़क्कहून तस्बीहा। लेकिन उनकी तस्बीह चूंकि जबरी है, अजबारी है, लिहाजा उसका उन्हें सवाब कोई नहीं। उनकी तस्बीह अजर इसलिए नहीं रखती कि उन्हें और कुछ करने का इख्तियार नहीं। और इंसान की तस्बीह इसलिए अल्लाह पाक को अजीज है, उसका अजर है, उसकी वैल्यू है, इसलिए कि उसके पास इख्तियार था कि वो तस्बीह करे या ना करे। इख्तियार होने के बावजूद उसने अल्लाह पाक की तस्बीह को इख्तियार किया, अब उसे उस इख्तियार का अजर मिला। उस नेक इख्तियार का वो जो इरादा उसने किया अल्लाह पाक की तस्बीह का, उसकी बुनियाद पर उसे अजर मिला। और जहां तक हमारे पास इख्तियार है सवाब भी वहीं तक है, जहां इख्तियार खत्म हो जाएगा सवाब भी खत्म हो जाएगा। बड़ी मशहूर हकायत है कि कोई साहब थे, वो हमेशा दुआ किया करते थे कि अल्लाह पाक मुझे कब्र में तलावत कुरान पाक की तौफीक अता करे। हज पे गए, वहां दुआ की, अरफात में वहां की, हिजरे अस्वद के सामने की, तहज्जुद की रातों में की, मर गए, दफना दिया गया।
कोई साहब उनकी कब्र के पास से गुजरे, कब्र से तिलावत की आवाज आई, बाहर वाले ने कहा सुभान अल्लाह, अंदर वाले ने आवाज दी कि सुभान अल्लाह का अजर मुझे दे दो जो मैंने कब्र में पढ़ा सारा ले लो, क्योंकि इस सुभान अल्लाह का अजर है, अंदर पड़े वाले का अजर कोई नहीं। आज हमारे पास वक्त भी मौजूद है, इख्तियार भी मौजूद है, कल हम बे इख्तियार हो जाएंगे, जिस तरह लोग चाहेंगे हमें डिस्पोज ऑफ करेंगे, कोई जला दे, कोई मट्टी में दबा दे, कोई चील कौओं के सामने फेंक दे, ये उस पर डिपेंड करता है, हम तो बेबस होते हैं। ठंडे पानी से गुसल दे, गर्म पानी से गुसल दे, इधर धक्का दे के कर दे, उधर कर दे, बड़ी कब्र खोदे, छोटी खोदे, टेढ़ी खोदे, सीधी खोदे, हम तो बेबस होते हैं। उस बेबसी से पहले पहले जो करना है वही करना। इस गायत तखलीक, इस बंदगी के लिए अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा करना है। वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, जिनो इंस की तखलीक की और कोई गायत नहीं थी सवाए इसके कि वो मेरी बंदगी करे, मेरी गुलामी करे, मेरी अताअत करे, मेरी बात माने। अब ये इबादत, ये बंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए होनी चाहिए, सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए होनी चाहिए। इसके साथ अगर कोई दूसरी गायत लग जाए तो ये शिर्क फिल इबादत हो जाएगी। बंदगी के दो मकसद हो जाएंगे, तौहीद खत्म हो जाएगी। इसलिए फरमाया वाला युशरिक बे इबादत रब्बिही अहदा, इबादत में अल्लाह के सिवा अल्लाह के साथ किसी और चीज को शामिल नहीं करना कि मैं बंदगी इसके लिए भी करना। इसलिए जो लोग अहले नजर हैं, जो बात को समझते हैं, वो कहते हैं कि अगर इंसान जन्नत के लिए भी करे तो भी उसने अपनी सोची है, रब की नहीं सोची। रब की रजा कहीं दूर रह गई। आप देखें एक बेटा है, मैं मिसाल देता हूं आपको, दस में लगेगा, वो बाप की बड़ी खिदमत करता है, नहलाता भी है, बाप माजूर है, नहलाता भी है, को सफाई भी करता है, खाना भी खिलाता है, एक से दूसरी जगह भी लेके जाता है, रात दिन सर पे खड़ा रहता है, दवाइयां भी। लेकिन उसका मकसद यह है कि ये बाबे के पास जो चंद मुरब्बे जमीन है ये मेरे नाम कर जाए, देखिए मैं कितना बेलौस की खिदमत कर रहा हूं, दुबई वाला दुबई बैठा रहे, ये मेरे नाम करवा दे। तो आप उस बेटे को क्या कहेंगे? खिदमत तो कर रहा है ना। एक बीमार आदमी को गुसल दिलाना, पूरी बॉडी का बोझ उठा के लेके जाना, सफाई करना, बड़े आदमी की सफाई करना, ग्रास आती है आदमी, दिन रात की मुशक्कत कर रहा है वो, लेकिन मकसद उसका बाप की खुशनूदी नहीं है कि बाप ने भी मेरी इसी तरह खिदमत की हुई है, आज वक्त आया है तो मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। मकसद उसका यह है कि बाबा ये मकान मेरे नाम लगा जाए, ये जमीन मेरे नाम लगा जाए। तो आप ऐसे बेटे की खिदमत को क्या कहेंगे? कोई वैल्यू है आपकी नजर? एक आदमी सारी सारी रात खड़ा रहता है, मकसद यह है कि इतनी हूरें, हूरुल ऐन, बड़ी आंखों वाली हूरें, 70 लाख हूरें, हमारे मुफ्ती हजरात जब शुरू करते हैं तो लाखों से नीचे तो खड़े ही नहीं ना होते। अल्लाह पाक क्या सोचेगा? दुनिया में भी औरत के पीछे दौड़ते दौड़ते मर गया, अब दुनिया में जो है वो घुटनों का पानी खत्म हो गया है तो आखिरत में नजर जमा लिया, वहां भी औरतों के पीछे? ये भी शिर्क। इबादत के दो मकसद हो गए,
ये सिर्फ इबादत है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा। अगर आज अगर वो बाबा ये बता दे उस बेटे को, पुत्र जिस जमीन के लिए तुम ये मेरी मुट्ठी चापी कर रहे हो, तो पहले मैं तेरे भाई के नाम लगवा चुका हूं, तो वो बोटा देगा फिर कीड़े पड़ जाए तुझे। मैं जिसके लिए कर रहा था, शैतान ने जमीन और आसमान के चप्पे चप्पे पर सजदे किए हुए, मगर कुर्सी के लिए किए थे, खिलाफत चाहता था रब की। वो जब उसको एक्सपोज करने का वक्त आया तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मियां वो कुर्सी तो हमने किसी और को दे दी है, इन्नी जायरों फिलहाल खलीफा। उन्होंने कहा फिर सजदे भी खत्म हो गए, अब एक भी करा के देख। जिसके लिए मैं कर रहा था, अगर आज अल्लाह पाक ये ऐलान कर दे कि जन्नत खत्म कर दी है मैंने, तो हम कहेंगे फिर नमाज हम भी नहीं पढ़े, हम भी अल्डोराडो जा रहे हैं। या जन्नत की लालच या जहन्नम का डर, हम बचपने से कब निकलेंगे? लालच से तो काम बच्चे से कराया जाता है, उसको दूध पिलाया जाता है तो कहा जाता है एक दिरहम दूंगा, ये एक पूरा गिलास पी लो, हालांकि उसमें फायदा उसका अपना होता है, मां बाप का फायदा होता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन जब ये बड़ा होगा डॉक्टर बनेगा तो फिर ये कोई फायदा मां बाप को देगा? अल्लाह पाक तो उस लांग फायदे का भी जो है वो मोहताज नहीं है। लालच जो है, लालच से काम करना ही तो बच्चे की फितरत है, और हमारे अंदर का वो बच्चा मरा नहीं, वही लालच है। पहले बच्चा खिलौने वाली गाड़ी पे राजी हो जाता था, दो चार दिन वाली, हमारी जरा 1.5 लाख की आती है, वो गाड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि वो बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन है बच्चा ही है। कब निकलेंगे हम उससे? वातल माल अला हुब्बिही युतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा, उसकी मोहब्बत में हम कब काम करेंगे? मोहब्बत होगी तो करेंगे। राबिया बसरी का कौल कोट किया जाता है कि ऐ अल्लाह पाक, अगर मैं तेरी इबादत जन्नत के लिए करती हूं तो जन्नत को मुझ पर हराम कर दे, और अगर मैं तेरी इबादत जहन्नम के खौफ से करती हूं तो जहन्नम को मुझ पर वाजिब कर दे। मैं तो तुझे इसलिए सजदा करती हूं, तू है ही सजदे के काबिल। ये बात कब पैदा होगी कि अल्लाह पाक जहन्नम के डर के अलावा, जन्नत की लालच के अलावा भी सजदे के काबिल है? ये दोनों चीजें ना हो फिर भी वो सजदे के काबिल। हम अपने वजूद के लिए उसके जेरे एहसान है, एक एक सांस के लिए उसके जेरे एहसान है, ये नहीं कि उसने हमें एक दफा पैदा कर दिया है और अब 7 साल तक हम जिंदा रहेंगे, वो कोई इंटरफेरेंस उसकी तरफ से नहीं हो रही है और फिर मरेंगे। हर लहजा हर सेकंड के साथ मिलियंस सेल्स हमारे अंदर मरते हैं और मिलियंस पैदा होते हैं। युही व युमीत का अमल हर सांस के साथ जारी है, हर मरने वाला सेल अपनी मेमोरी अगले को ट्रांसफर करके मरता है। अगर ट्रांसफर किए बगैर मरना शुरू हो जाए तो आदमी की मेमोरी खत्म हो जाए। युही व युमीत का बगल तो हर सांस के साथ हमारे अंदर बज रहा है, वो जिंदा रखे हुए, हर सांस के लिए हम उसके मोहताज हैं, दिल की हर धड़कन के लिए हम उसके मोहताज हैं, एक एक दाने के लिए हम उसके मोहताज हैं, पानी के एक एक कतरे के लिए हम उसके मोहताज हैं। ये मोहताजियां और ये लालच, ये जन्नत दोगे तो ये करूंगा और ये किया तो मुझे जन्नत मिलेगी, मुजर्रद अल्लाह पाक की खुशनुदी, इससे मेरा रब खुश हो। जिस दिन ये चीज हमारे अंदर पैदा हो गई, आपकी कोई दुआ रद्द नहीं जाएगी। ये खलूस जिस दिन, ये इखलास जिस दिन हमारे अंदर पैदा हो गया कि मैं सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के लिए कर रहा हूं और इसमें भी मैं उसका हक अदा नहीं कर सकता, मैं जो इबादत करता हूं
इसमें भी मेरे परवरदिगार का हक अदा नहीं होता, मेरी इबादत उसके शायान शान नहीं है। अगर गौर से देखा जाए तो ये उसकी इंसल्ट है, फिर भी कबूल कर ले तो उसकी बड़ी मेहरबानी। मैं मिसाल दिया करता हूं कि अगर आप किसी मुल्क के सदर के लिए 30 दिरहम वाली घड़ी सिक्को ले जाएं, दो ढाई तीन चार पांच साल भी चल जाती है, पानी नहीं पड़ता, क्वालिटी उसकी ठीक ठाक, टाइम ही देखना है, तो मेरे ख्याल में वो सदर में पकड़ के अंदर कर दे। एक साहब ने किसी डीएसपी साहब को तोहफा देना था, बड़ी दुकानें दे, पूरा बाजार देखा, वो भाई क्या हो गया ये खरीद लो, नहीं यार वो बंदा जो है ना उसके लिए खास स्पेशल कोई चीज चाहिए। डीएसपी, ये जो नमाजें हम पढ़ते हैं ये अल्लाह के शायान शान, इस नमाज में हम कहां होते हैं, हमारे सज्दे जब होते हैं तो किन तस्वीरों को होते, कौन सी स्लाइडें चल रही होती, कौन से स्क्रीन सेवर चल रहे होते जब हम नमाज पढ़ रहे होते, ये नमाज। मियां मौसा फरमाते हैं जिन्ना सराफा अगे रुलदे लाल जवाहर पन्ने कच्चे मन के तक असाडे कद उना दिल मन्ने, जिस सराफ के दाएं बाएं लाल और जवाहर रुल गए हूं वो आंख उठाकर भी हमारे कच्चे मन के देखेगा। औलिया की नमाजें, सहाबा की नमाजें, अंबिया की नमाजें, उनकी तस्बीहात जिस रब के इर्द गिर्द बिछड़ी हुई हूं उनमें, ये हमारी नमाजें जो हम शॉपिंग करते हुए कर पढ़ते हैं, रुकू में हम आम खरीदते हैं, सजदे में हम करेले खरीदते हैं, खड़े होते हैं तो जामा के पीछे चले जाते हैं, ये नमाजें, और इन पे हमारा फिर मजाज ये कि रब को राजी करने के बाद मजीद आगे फलां चीज की भी तमन्ना है। तो शिर्क फिल इबादत में यह बात भी शामिल है कि अल्लाह की रजा के अलावा किसी और चीज को भी उस नमाज का मकसद बनाया, रब को राजी कर रहे हैं आप, बाकी चीजें उस पर छोड़ दें। अब रजाए रब तीन किस्म के अफाल पर मतलूब है, और इंसानी जिंदगी को अगर आप उसके तमाम अफाल व आमाल का इहाता करें तो तीन कैटेगरीज में उसको तकसीम कर सकते हैं। एक वो आमाल व अफाल हैं जिनसे हमारी अपनी जिंदगी और जाती मुनाफा जुड़ा हुआ है, हयात फर्द, उसमें खाना पीना सोना और रोजी का कोई थोड़ा सा बंदोबस्त होना, ये इंसानी जिंदगी की जरूरत है। उसके बाद दूसरी किस्म के अफ़ाल और आमाल वो हैं जिनसे नस्ले इंसानी की बका, उसका सबात और नौ इंसानी को जारी रखने के लिए जो जरूरी है, उसमें शादी ब्याह है, औलाद है, औलाद को पालना है, किस किस्म के बाद तीसरी किस्म के तहत आते हैं वो अफाल जिससे एक हैयत इज्तिमाई जो है वो कायम होती है, एक सोसाइटी जो है वो कायम होती है, और बाकी रहती है उन आमाल के साथ जिसमें दोस्ती हमदर्दी ईसार सकाफत ये सारी चीजें आती है। किसी भी इंसान के आमाल को इन तीन खानों में तकसीम किया जा सकता है, चौथा खाना कोई नहीं, और इनमें से भी हर एक खाने के लिए अल्लाह की रजा मतलूब है। बंदा क्यों जीता है, इसलिए कि खाए पिए बच्चे पैदा करे और मर जाए छोड़ के पीछे, ये तो गाय भैंस बकरी कुत्ते बिल्लियां ये भी करते, इंसान की इंसानियत क्या होगी, वो तो फिर हैवान हो गया दूसरे हैवानों की तरह, इम्तियाजी शान तो खत्म हो गई। इंसान जिए तो बा मकसद जिंदगी जिए,
मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। बामकसद हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे। क्या यह मुमकिन है कि साकी न रहे, जाम रहे? अल्लाह पाक तेरा नाम मिट जाए और हमारा नाम चलता रहे, यह मुमकिन नहीं कि साकी मर जाए और जाम चलता रहे। उस वक्त उस बंदे का खाना पीना सोना सोचना इबादत बन जाता है। जब वो रब के लिए जीता है तो उसकी बका के लिए उठाया हुआ उसका हर कदम फी सबीलिल्लाह है। फी सबीलिल्लाह कोई अलग चीज नहीं है। हम इसलिए जीते हैं कि हम अल्लाह की तौहीद के परचम को थामे रहें। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, अगर किसी के है। 99% शिर्क से आलूदा हो चुके हैं, कुछ जानते बूझते कुछ अनजाने में। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, ये अमानत हमें आगे पहुंचानी है। ये अमानत है, इसको लेके दबा के मर नहीं जाना। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान ही मिटाना नामो निशान हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमान नहीं हम, कई बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। तो जब इंसान अल्लाह के लिए जीता है तो फिर जीने का जो भी सामान करता है अल्लाह पाक उसको ऑन करता है। एक बंदा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार जाते हैं, सात सहाबा हैं। एक बंदा मार्केट के अंदर बड़ी फुर्ती के साथ गाहक फंसा रहा है, कभी इसको अट्रैक्ट करता है, कभी उसको आवाज देता है, कभी उसको बुला रहा है, किसी को माल दिखा रहा है, किसी को माल की खूबियां बयान कर रहा है। एक सहाबी के मुंह से निकला लव का नफी सबीर, काश इस बंदे की ये फुर्तियां अल्लाह की राह में होती, तजारत के लिए ना होती। ये कितनी भाग दौड़ कर रहा है, काश ये दुनिया के लिए ना करता अल्लाह की राह में करता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हो और उसके कंसेप्ट को दुरुस्त किया हुजूर ने। हुजूर ने फरमाया अगर ये भाग दौड़ इसलिए कर रहा है कि बच्चों के मुंह में हलाल का लुकमा दे, फहुवा फी सबीलिल्लाह, और अगर ये भाग दौड़ इसलिए कर रहा है कि कर्ज से जान छुड़ाए, फहुवा फी सबीलिल्लाह, अगर ये भाग दौड़ इसलिए कर रहा है कि अपने मां बाप बूढ़े मां बाप की कफालत करे, फहुवा फी सबीलिल्लाह। और फी सबीलिल्लाह क्या होता है? तीन दिन अल्लाह की राह में, 27 दिन शैतान की राह। ये इस्तलाह कहां से आई? मोमिन की तो सारी जिंदगी अल्लाह की राह में होती है, इसका खाना पीना सोना जागना सब अल्लाह के लिए। ये इस्तलाह गुमराह कुन है। वो जो ड्यूटी देता है, वो जो दुकान पे खड़ा है, वो जो ऑफिस में है, वो जो सारी सारी रात बैठ के प्रोजेक्ट करता है अपनी ड्यूटी पर, उसका वो जागना फी सबीलिल्लाह है। तो अपनी जात के लिए हिंदू भी करता है, सिख भी करता है, ईसाई भी करता है, यहूदी भी करता है, वो जिनका कोई मजहब नहीं वो भी करते, मुसलमान भी करते। अगर उसमें रब की रजा साथ शामिल नहीं है, मुजर्रद
अपनी बका मकसूद है तो फिर वो हैवान का खाना है, इंसान का खाना नहीं है। मोमिन तो जब लुकमा खाता है तो सोचता है ये कहां से आया है। अफरअईतुम मा तहरुसून, जो तुम बोते हो उसको तुमने देखा है। अअन्तुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, इसको तुम उगाते हो या हम उगाते हैं। लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामन, अगर हम चाहें तो हम उसको कचरा बना जबरी बना दें। और आप 8-10 दिन के बाद जब दाने बो के आते तो जाकर उसे हाथ में मसल के देखिए, वो कचरे का ढेर होता है, वो दाना गल गया होता है। वो उस गले हुए से वो पोंपल निकलती है ना, गले पोंपल नहीं निकलती। फरमाया तुम तो उसको जाया करके आए हो। उससे पहले फरमाया फराई तुम मा तुम नून, जो तुम टपकाते हो उसको तुमने देखा है। अन तुम तखलुकून हो अम नहनुल खालिकून, उस हमने पैदा किया या तुमने पैदा किया, तुमने गवा दिया। फरमाया फराई तुम आदि तशरबून, तो पानी पी लो, उसको कभी गौर से देखा है? कहा पानी देख के पीना चाहिए, पानी पीने की सुनते हैं उसके लिए पानी देख कर पीना चाहिए। एक तो नहीं आया, तो नहीं पड़ी, तो नहीं पड़ा, कोई और तो नहीं पड़ी। और एक देखना ये वाह मेरे मालिक, वो आग को जमा करके तूने क्या चीज बना दी, आग बुझा दी। हाइड्रोजन मार्के से क्या ऑक्सीजन देने में मदद दी है, दोनों को एक खास आग हमारे सामने रख दिया। मैं इसको किया कर चलाया भैंस की, वो भी उससे ज्यादा पानी पीती है, बस पता नहीं पी है जी। तो सबसे पहले चीज कि अपनी सोच सोचे फितरत में है तो अपनी बका जिद्दोजहद करे, मगर ये बका बा मकसद होनी चाहिए। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो यहूदी बड़े वहां पर मौजूद है, बड़े मदरसे के मौजूद, बड़े बड़े मंदिर भी, बड़े बड़े की मसाले के अंदर आज मौजूद है, दूसरे वहां भी मौजूद थे। हुजूर भी आज ये नहीं कि दुनिया में नमाज पढ़ो गई थी रोजे रखो गए थे, हुजूर ने पिछली बार रोजे रखो थे, सब ठीक है। हाजी यास मोहम्मद मैं मूसा साहब को अल्लाह पाक ने हाथ दी थी, रहा करवाया था, शुक्राने में कहते हैं आप फरमाया हम तुझे ज्यादा मुझ के अंदर आए बकी पर मैं अंदर जिंदा रहा असुमन अबस वल आलम नौमी और यो देगा जमीन कैसी लगाई रखूंगा कि कहीं मैं यहूदियों जैसा ना हो जाऊं। जिस उम्मत का नबी इबादत में भी हर करके कि यहूदियों पर नजर आए, हम अपने निभाव रहन सहन में बिल्कुल यहूदियों की तरह हुए। हुजूर का ये यहूदी से उतार कर नमाज पढ़ते थे कि नबी की हुआ था अन अलैहि इन कबल वल मुकद्दस, हम जो कहो आप उस वाली मुकद्दस में हो। तुम जूते पहन के ना पड़ा आगे गुजरने वाले को पता चल के एक मामले में रहते यहूदी के पास भी वही था, मां का लिबास भी वही, मक्के वालों का लिबास वही था, मदीने वालों का लिबास वही था। ये लिबास ये दाई ये पैर कोई सुन दे ट्राइबल सुन दे ट्राइबल कसम है अबू जहल भी अल्लाह ताला की हमारे बाहर लोग शलवार उनकी भूख तक पहुंची हुई होगी, बात गाने होती है उनकी जो गेज होता है पेट्रोल का वो खराब हो जाता है, चूहे लग जाती है, कुछ न्याज भी बैठता है वो समझता है कि फूल है। और आगे रास्ते में जाके गाड़ी खड़ी हो, लोग उसको बार बार कहते हो भाई पेट्रोल है, कहता है सुई दो, वो ही देखा सुई तो फूल है, कोई और खराब सुई बता रही है टंकी फूल है, टंकी के अंदर एक तरह भी नहीं है, गाड़ी होती है सलवार का पांच साल के टंकी फूल रखे हुए बिजनेस करके देखिए साथ साथ डीलिंग करके देखिए इनके साथ प्रो में देखिए साथ अंदर कटा भी लगवे पे तो सुई बता रहे हैं पैसा बता रहा है बोले उनके हाथ ही नहीं गुलामा मौजूद थे लिबास से टंगा गुल थी अल्लाह सलाम फरमा रहे हैं उलमा ये हूं तुम्हारा हक उन कबों का भाई जिन बाहर चूना है वो क्या वो कड़ी चमक रही होती है और अंदर उनके गली लड़ियां हो तुम्हारे इन जुगों के अंदर बदबू भरी हुई है फतवे देने वाले लोग तो नमाजें कम नहीं हुई थी तो ही खत्म हो गई थी सिर्फ तो ही हर सुने आकर पहले लाके आ गई जिस डिफिशिएंसी होगी सी बात होगी क्या आओ मेरे को दाह बात हमने नहीं लगाई हो नमाज नहीं पाया कौन बात पढ़ो
अकाउंट होगा तो नहीं, 13 साल पक्का हुआ है एक अल्लाह को तो ही हर नबी अब आया लेकर आया, शिद्दत बती रही हालात के लिहाज के लिहाज से तब्दीली हो गई दावत एक नहीं। तो उस हाल से अगर हम देखें अल्लाह की पहली जो पहला जो हमारा कहें इंसान जात की सोच होता है पहले फायदा देता घर भरने के बाद दिमाग सोच और फलसफी उन कौम में पैदा होते हैं जिनकी बुनियादी बात पूरी हो चुकी होती है। साइंसदान उन कौमों में होते हैं जिनकी बुनियादी बुनियाद पूरी हो चुकी होती है फिर वो अगली बात सोचते हैं। फलसफा कहता है अवाम फलसफे की तरफ कुछ मुतवज्जो होते हैं जब उनकी बुनियादी जरूरियात सच्चाई हो चुकी होती है। इस कौम की जिंदगी मकसद ही रोटी बन रहे और रोटी वो है हराम की हलाल की रोटी होती है। बात है जब जाते हैं हम मुल्क में तो हमारे यहाँ रह के लोगों के साथ इदार में जा किया पास जो है वो मैनेज बन चुका है कि आपके साथ पूरे हैं तो आप खत्म हो गए। यहाँ आप किसी से बदली पको नहीं रखते कोई अगर आपके साथ देखी ना तो बदली हुई नहीं लेकिन पाकिस्तान जाने के बाद मेरी पहली हैसियत है कि हर एक से बदली की पको रखी ना उसकी गाड़ी पे जाए ना उसकी सलवार पे जाए ना उसके साइकिल पे जाए ये वही है दुकानदार है टैक्सी वाला है पेट्रोल वाला है बर्तन बेचने वाला है कपड़े बेचने वाला है फ्री वाशिंग नहीं है मैं वो आप लेकर बात कर रहे हैं वो आपकी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं बात बात है कि आप तो ये जो हमारे ऊपर आके बैठे हैं दोनों लिहाज दुनिया भी लिहाज भी नहीं लिहाज ये हमारे इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अमाल हो अमाल हो तुम्हारे जो माल हैं तुम्हारे हाकिम हैं ये हमारे अपने अमाल हैं तुम्हारे खुतूत तुम्हारे हाकिम हैं इन पर बैठे हैं ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। दूध जितना जहरीला होता है शायद सबसे ज्यादा भलाई में होता है मलाई होती है उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन होती रहेगी आवाम में जब कुछ होगी वो लीडरों में कंसंट्रेशन होगी जो दूसरा जाता रहता है जिसको हाथ लगता है वो जगह रसूल का नाम ले तो आपको पता चल जाता है रबता मिल नहीं रहा जब आप फोन करते हैं आपका नंबर मिल जाए तो फोन के सब ये जाती है कि नंबर मिला है जब आपको अपनी आवाज की गूंज आ रही हो तो उसका मतलब है कि आवाज उधर नहीं नंबर सही मिला रीट्राई कर रहे हो। आप जब अल्लाह रसूल की बात करते हैं तो आप अपनी बात की गूंज खुद सुनाई देती है कि पल के पास आ रही है। मैंने इस बात को समझ लिया कि जो बात मैं यहां कर पाऊं क्या तो एक बार यह मुझे पता है आप इस साल आप आते हैं यहां मौजूद हूं मुझे पता है आप क्या कुछ कहा जाता है और आप इस साल रात की बात होती है कई जगह हम जा रहे हैं तो पता ही नहीं कि क्या पढ़ा क्या पढ़ा पाए कुछ गोली खा के आपको गोली देनी है आराम से बात करना काफी मुश्किल है। दूसरा ये भी मैंने देखा है कि एक तो गाय का दूध देने वाले और दूसरा कमा दूध धोने वाले का भी होता है कितना खा सकता है ये उसमें भी कटता है दूध से चला रहे किसान को भी धोना पड़े तो आधे दूध लगता है गाय को भी पता लगा कि यहाँ है तो उसमें आप लोगों का कमाल ज्यादा है जो मैं बात करूँ उसके करने में आप लोगों का कमाल ज्यादा है वहां बात है वो बात है वो लेकिन आप जिससे बात करें तो पता ही चलेगा कि आप यहां तो कोई सानियत नाम की चीज है लोग आदमी को ऐसी बात करें बड़े देख रहे हैं पता नहीं मिल जाए ऐसी बात करें। फिर मैंने पहले बात की थी मेरे साथी ने उस पर ऐसा तस्वीर किया हमने कि हम लोग हम सुराज मौली लोग फिर सभी जिला किसी की जमीन किसी के प्लाट रवा करने में राय के दाने को बराबर नहीं सिखाते पहले जमीन पे उसके प्लाट पे जो मस्जिद के साथ मुतसिल है नमाजी जाओगे नहीं तो गेट आते हैं वो उसके अंदर डाल के डाल पड़ते हैं फिर हम उनसे कहा तो ले आते हैं उनके वजू का मसला होता है तो अगर रोटे भी यहाँ पर ड्रम पानी का तो उसमें कभी भी मिलता है अच्छा तुझे मिलता रहेगा लोग नमाज पढ़े रहे मैंने कभी बनाना नहीं मैं गुजरा भी कहा कि बेटी भी नहीं होगा उसके बाद उन्होंने कहा कि लोग आप गुजरते रहे रहते वाले नमाजों की तवज्जो बटिया थी आप हम दो चार भाई उसके दीवार में किसके दीवार आप नगाली ये सब जब यहाँ से है और देखो अक्सर भी पड़ी अब इन्होंने प्रेसिडेंट का दरखास्त दी तो ये एक बात नहीं मैंने कहा था 90% मदारस और मसाजिद किसी न किसी हद तक गसब की जमीन पर बने हुए और चूंकि ये गसब फीस नहीं लगा हम अल्लाह का गसब कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ी गसब है लिहाजा गुना का एहसास भी कोई कि गसब की जमीन में नमाज नहीं होती ना तरावी होती है हमारा साग भी साग फीस भी ला हमारा झूठ झूठ फीस भी ला हमारा गसब गसब फीस भी ला हम तो उठते बैठते इसी में इसी मिला में अगली समझ नहीं आ रहा है 8-9 साल पहले लिखी है
वो लीजिए मैंने झूठ बोले मैं जीना बेझर मलूम तो आया खतीबों को और वायरों को मैंने आम आदमी को झूठ बोलने इतना फ्लू नहीं पाया क्योंकि फीस गिला बोलते हैं कि बोल दो अगर माफ पढ़ नहीं करे तरकीब में बोला जाएगा तरकीब में बैठा वो पढ़ रहे पहले तो आदमी आपको देर से पढ़े ना तो देर से पढ़े वो 2,80,00,000 साल जहन्नम में जलेगा हदीस में पाक को किए हकबा हकब का उन्होंने कंडीशन का बताया कि अगर एक आदमी ने एक नमाज पढ़ ही लिया लेकिन लेट करके बड़ी उत्साह हो गई थी तो जहन्नम में 2,80,00,000 साल रहेगा अगर उसने 2,80,00,000 साल तो 20,00,000 साल हो जाएगा पढ़ेगा तो यानी ढाई वाले को सोचना चाहिए जब नमाज पढ़े वो जहन्नम में जा रहा है तो शुक्र अल्लाह पाक ने साहब मैंने कि मौलवियों ने कर दिया था हमारे अपने हाथ में ये जमीन में झूठ उसी साहब का बयान रिकॉर्ड बयान मुफ्ती साहब 70,00,000 हुए बस किसी के मालिक पढ़नी समझी ना थी मिलोगे थकते नहीं अल्लाह के मेहमान से मिल गया और कह रहा है नमाज की मौत हो गई तो एक बात आप हर एक से शर की तो रखे आप किसी के साथ भला भी करें भली तो मत सिर्फ अल्लाह की आगे दूसरी बात यह कि कोशिश ये करें आप हजरात अपनी जायदाद को अगर आप अपने बच्चों का भला चाहते हैं तो अपनी जायदाद को स्पीच है 10 साल बेच के अगर आपको 10 मरे का राम मिलता है वो राम ले लें वो 10 नाल खा लें जायदाद छोटे से छोटा करें बड़ा ही जायदाद आप बच्चे खा रही है 4 साल बाद बंदी हो गया पवाई इधर की उधर डाला उधर की उड़ा 4 साल बाद भी हो गया आप आए जाकर दाना पानी दे फिर आप जब मंदोस करवाएं फिर वो तो बैठा पीछे चाचा का पुत्र मामे का पुत्र चचा भाई उसे आप बात कभी छुड़ा सकेगी आप बात इतना वही मैं वही मरवाया जो सारी जिंदगी का आप देखे उसको दिया है चलो यार मुझे अल्लाह ने तनख्वाह दी है ईरान खा है वो मर गया उसके छोटे छोटे बच्चे को अपनी जमीन क्या है देखा 10-12-20 साल से पास है जब कल आप पता जाके कह रहे जमीन मेरी मार दिया जाएगा जमीन से नहीं देनी और लाख भला करना है तो ना अपने जीते जी कहीं पास खरीदे कोई विला खरीदे कोई कोठी खरीदे कोई मकान खरीदे लेकर लाखों की इतना लो और क्यों तकसीम करें इतने मुरब्बे जो बाकी रहने वाले जमाउन के लिए कर रहा हूं ये रहता है चाहे लंदन रहते हैं चाहे अमेरिका रहते हैं जो भी मुझसे रहे अगर अपनी औलाद का भला करो तो अपनी जायदाद को कम से कम राज ये कीमती हो लेकिन थोड़ी जिसके आप बेटा जो है वो और कर रहे वरना रोज वहां खुशियां होती रहेगी और दालों में जाता रहेगा सब पक्षू पे इतनी कभी जमीन है अपनी फेमिल है और इतना फसल आती है ये कुछ भी नहीं वहां जो आपके अपने हैं वो सबसे पहले दुश्मन होंगे इसकी बताई अपनी तो बाहर वाले जो है उनकी औलादें बड़ी आन से वो बनाते पैसे भेज दिए उसके मतलब इंसाफ का पता रही है देखे हमारे उसने दो भी पाया अपने बाप के सारी बात पर इतना जोड़ गया अगर यहां से अगर तकसीम होगी अब्बू के नाम पर नहीं जो आपने ली हुई अच्छी दो ना साढ़े पांच ना जगह वो आपने जो ये भी तकसीम होगी ना के साढ़े पांच ये तकसीम होगी खाते से जाता है तो आज करने का मकसद यह है कि मैंने तो अंग्रेजी कमाओ हर आदमी कहीं देखने का एक अंदाज है मैंने तो कहीं रोशनी किरण ने की बड़े बड़े मदरसों भी गया उनके समझ भाई दिया रात में देखेंगे क्या मौलवियों को क्या होगा मैंने कहा हम मौलवियों के डर उनके पास अपनी सोई होती थी क्या सिलसिले शुरू हैं तो ऊपर से नीचे अंधेर बना हुआ है किसी को खुदा याद नहीं है
जूड़ का भी बीमारी है, कुत्ते की भूख उसको कहते हैं, कुत्ता हड्डी खाता रहता है, उस समय मुंह से खून निकला रहता है, उसका लगा चक्कर समय हड्डी से निकला, वो नहीं खा, वो जो लाल जो पैदा होती है, हर बंदा रोटी के पे लगा हुआ है, जिनकी जरूरत है जिसे छीन ली गई है उनका तो हक बता है, लेकिन जिनके पास जहां है उनकी भी खत्म होने का नहीं है, वो भी लूट के चक्कर में शायद भी कोई चीज उन्होंने लूटा वो कहां गए, खाना सही नहीं हुआ, नस्लें कम हो गई, हिम्मत कोई नहीं कि अब उसको पीछा छोड़ कोई कानून नहीं, जो पास पैसा कानून उसको लाना कानून लेंगे, इन हालात में अगर बाकी सोच भी आगे अपनी सोचे बातें तो हम गप करते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं हमने इस तरह से फील्ड हमने दिखाया, उस फील्ड जब हम वो जाएंगे वहां तो कोई लोग सुनते ही वहां तो सुन रहा, इतने आदमी जुमे में मस्जिद में नहीं होते, इतने नाजुक होते शाम को होते, कोई उन्हें कितना ये फैसले तो नहीं करते ना, बुखारी शरीफ की हदीस ये जरूरी है कि हर गांव में खरपैंच हो, तर्जमा करने वालों में नंबरदार हो, ये जरूरी है कि हर गांव में नंबरदार हो, लेकिन मैं उसको खरपैंच कहता हूं, जो फैसले करे लोगों के मामलात को, मामलात को निपटा दे, हदीस के अल्फाज है ये जरूरी है कि हर गांव में खरपैंच हो, मगर खरपैंच जाएंगे जहन्नम में, अब देखें अल्फाज देखें, क्योंकि ये इंसाफ नहीं करते, ये नहीं चाहते इनकी कोठी खाली हो, ये चाहते हैं कि फितना पड़ा रहे सुबह शाम लोग आके इनके सामने बैठे रहें, मस्जिद में 5 वक्त और इनकी कोठी में 7 वक्त हैं, लिहाजा वो भी फितना बाज क्या भी कहते उनके यहां को मसला मिट जाएगा, ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल में ये सोचना कि हमने जीना है तो अल्लाह के लिए जीना है, अल्लाह की रजा के लिए जीना है, और औलाद की भी तरबियत करनी है तो इस तरह करनी है कि जो झंडा तौहीद का मैंने उठाया है मेरी औलाद भी उसको उठाए, उसको भी उसके लिए जहनी तरबियत करनी है, उसे हमारे बच्चों की जहनी तरबियत और होती है, पाकिस्तान वाले जो अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हो और ऐसा मशवरा देने लगे कि जी आप वहां प्रदेश में रहते हैं आपके बच्चे तो बिल्कुल अल्लाह की गाय हैं, तो यहां कोई अपना पत्रिया तक को कोई अथरा जा तो देखे अथरा तो पालो उसमें बदमाश बनाओ इतने जी रहना चाहिए, यानी अगर आपने गांव में रहना है इज्जत के साथ रहना है तो ये काल अल्लाह व काल रसूल नहीं चलेगा, अपने बच्चे बेशक जन्नत में ले जाओ लेकिन कोई अथरा सा भतीजा दे के उसके सर पे हाथ रखो है जी और उसे कहो कि पुत्र जेड़ा है तू टकाई आप थाना जाने तो मैं जाना पैसे लाइ उसको इतना होशियार कर दो, अगर रहना है तो एक बंदे की कुर्बानी लगे जो मौलवी साहब यहां ये लोग जो अल्लाह रसूल की बात को नहीं सुनते, ये अच्छा आप ठीक है एक बंदा इस मशरे के अमल भी कर ले, लेकिन ये तो बिल्कुल इसी तरह के किसी आदमी ने रीछ का दम पकड़ी हुई है और अगर रीछ ने मुंह उधर कर लिया कल वही भतीजा सीधा हो गया इधर तो फिर क्या होगा, वो ज्यादा जरूरत उस भतीजे को होगी ना, क्लोज तो वो होगा, लिहाजा इस किस्म के मशवरे पे तो हम नहीं चलते हैं, मामला को अल्लाह के सुपुर्द करते हैं, लेकिन बहरहाल ये बात के बच्चों को भी हमने अपनी भी अल्लाह की रजा की खातिर, मैं वहां था तो एक फौत हो गए तो हमारे यहां ये भी मसला होता है कि मौलवी कौन सा जनाजा पढ़ाएगा, ये भी एक सस्पेंस होता है, जब कोई मर जाता है तो लोग स्टाफ में होते हैं कि कौन सा मौलवी इसका जनाजा पढ़ाएगा, वो जो कलमा पढ़ने देता है या नहीं पढ़ने देता वाला, ये भी एक सस्पेंस है, मैंने कहा जी उसूल तो ये है शरीयत ये कहती है कि बेटा जनाजा पढ़ाए, शरीयत ये कहती है कि बेटा जनाजा पढ़ाए, बेटा नहीं है तो भाई जनाजा पढ़ाए, भाई नहीं है तो उसका कोई और रिश्तेदार पढ़ाए, क्यों, इसलिए कि जब बेटा खड़ा होगा बाप सामने लेटा होगा तो अब मां बाप ज्यादा भी करें तो जब ये मर जाते हैं तो बड़ी याद आती है और उस वक्त उनकी ज्यादतियां भी फूल बन जाती हैं, अब सामने पड़ा हुआ बेबस है उसे याद आ रहा है कि इसने मुझे कंधों पे उठाया था, उंगली पे साथ लाख पकड़ के तो मेले पे लेके गया था, ये हमारे लिए इतनी मुशक्कत में कमा के आता था, कंक्रीट में भरा हुआ था, वो बाप की जिंदगी की स्लाइडें ठक ठक करके लगती है, जिस तरह कोई मर जाए तो टीवी वाले उसकी जिंदगी के मुख्तलिफ जो है वो क्लिप्स दिखाते हैं, वो बाप की जिंदगी के क्लिप्स लग रहे हैं और वो बंदा हजारों किताब उसका दिल रो रहा है, मेरे मालिक आज ये बेबस हो गए, तो उसकी मफरत फरमा दे, तू माफ फरमा दे मेरे बाप को, अगर कोई
अब वो जिस रोते दिल से कह रहा अल्लाह माफ़ ले हय ना व मैयत ना, मौलवी तो इस चक्कर में 500 दे गए 700 दे गए। अपनी अपनी सोच है ना, भाइयों आया हजार भी दे देते काटे, एक हजार दो हजार बन गए। वो तो अपनी रोटी के चक्कर में है। जिस दुख से वो बेटा दुआ करेगा, वो बुखारी गर्भाद है ना, वालदन सालिहन वर्रसहू यदउ लहू, अपनी विरासत में वो नेक बेटा छोड़ के आए जो उसके लिए दुआ करे, वो जब जनाजा पढ़ाएगा और जिस दर्द से पढ़ाएगा, मौलवी चाहे कहीं से भी ले जाए, वो बड़े से बड़े शहर से रेंटे मौलवी सर्विस है, आके बड़ा जुबा बड़ा मोटा ताजा मौलवी होगा जनाब, डायमंड चर्बी निकलेगी, उससे मुर्दे की कैफियत में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो बच्चा उसका जो दुआ करेगा ना, असल शरीयत तो ये कहती है, और मैं बड़ा बदकिस्मत समझता हूँ उस बाप को कि जिसका बेटा जनाजा पढ़ाने के काबिल ना हो, अगर बेटे की दाढ़ी नहीं भी है ना, फिर भी जनाजा वो पढ़ाए। मैंने आज तक कोई मदरसा ऐसा नहीं देखा जिसने पैसे रद्द किए हों कि भाई साहब ये पैसे वापस ले जाओ, तुम्हारी दाढ़ी कोई नहीं है, मैं तुम्हारी ज़कात कबूल नहीं करता। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया आया हो कि किसी मदरसे में मस्जिद में आप बैठे हों या खुद लेकर गए हों और मौलवी ने कहा भाई तेरी तो अजान भी नहीं होती, तेरी अकामत भी कोई नहीं होती और तेरी ज़कात भी कोई नहीं होती, ये तू जहां से ले जाओ मैं बिनौरिया में दे देना। कई ऐसे होते हैं अल्लाह के पास नमाज कबूल नहीं होती, अगरचे उसकी दाढ़ी ना हो, हकदार बेटा है जनाजा पढ़ाने का। इसमें शर्माएगा मौलवी, किराए का है, पुरानी गाड़ी भी हो तो वो अपनी है। 2008 मॉडल की ले आएंगे ना तो वो रेंटे कार ही है। ये मौलवी रेंट पे आया हुआ है, उसने पैसे के पीछे दौड़ना है। मस्जिद में मौलवी रखना था, मुख्तलि मौलवियों के टेस्ट ले रहे थे, साहब आए तो वहीं इतला मिली के कारी अब्दुल्वाह सब फौत हो गए इस्लामाबाद में। अब उन्होंने तारीफ शुरू की उनकी, बड़े जीदार मौलवी सन। मैंने कहा पता नहीं उन्होंने कितना जो है वो कहने लगे, एक दफा उन्होंने हमारी दावत की तो अगरचे चावलों में भी गोश्त डाला हुआ था, उसके बावजूद हर मौलवी के सामने मुर्दा रखा, ये तारीफ हो रही है मुर्दे की। यानी ये सोच है। मैंने कहा कोई और भी नेकी की होगी उन्होंने साहब इसके अलावा भी, कल उन्होंने गड्डी रखी हुई थी पर यारों वास्ते ही रखी हुई थी शायरी कराते, यानी उन्होंने नहीं कहा कि भाई इसने इतने मदारस बना दिए, इतनी मस्जिदें बना दी हैं, छोटी सी मस्जिद से इतनी मस्जिदें उन्होंने जो है वो चंदा करके बनाई हैं। सोच रोटी के गिर, तो औलाद को इस काबिल बनाएं कि जब आप बेबस हो जाए तो आपकी चारपाई के पास खड़े होकर रब से दुआ तो कर सकें। आपकी 20-30 साल की मेहनत उसने खाई है, पैसा इतना लगाया आपने, जनाजा नहीं उसके अंदर खुद एतमादी पैदा करें। मैं तो यही कहता हूं कि गुनाह के एहसास के साथ, गिल्टी कॉन्शियस के साथ अल्लाह पाक से दुआ मांगना, अल्लाह की कसम इससे बेहतर है कि नमाज और रोजे के जोम में नाज के साथ बंदा दुआ मांगे। उसकी बजाय वो जो जिसके अंदर एहसास गुनाह है ना, मैं गुनाहगार हूं, वो जब उस एहसास के साथ शर्मा के अल्लाह पाक से डर डर के मांगता है ना, अल्लाह पाक कहता है तेरे गुनाह ने मेरा कोई नुकसान नहीं, वो हमने अपना ही नुकसान किया, रब्बाना ज़लमना अनफुसना। देखो वो जो मौलवी के अंदर ज़ोम होता है कि मुझे ये लोग बुला के ले रहे हैं, मैंने इनके बाप की जमानत देने आया हूं, मैं सिर्फ आप जमानती लेके जाते हैं तो फील तो उसका टर्नआउट होता है। मौलवी ज़ोम में होता है कि मैं इतनी नमाजें पढ़ता हूं, मौलवी तो फिर भी नमाज के पैसे ले लेता है, ठीक है हम कहते हैं कि टाइम के पैसे लेता है नमाज के नहीं लेता, लेकिन हकीकत तो यही है कि मौलवी की तो नमाजें भी टिकी हुई, आप लोगों की तो नमाज भी मुफ्त में, फीस भी मिल रहा है, जो नमाजों के पैसे भी ले लेता है, फिर अल्लाह पाक उसने इतना एहसान भी चढ़ाया हुआ है, अल्लाह को इतना अब्लाइज किया हुआ है कि जो ही वो कहेगा अल्लाह पाक कबूल कर लेगा। इस जोन के साथ दुआ मांगना, उसकी बजाय अगर एक आदमी की दाढ़ी नहीं है और उसे एहसास गुनाह है, उसके साथ अल्लाह पाक से मांगता है, मैं समझता हूं कि अल्लाह पाक उसकी ज्यादा सुनता है। औलाद को तैयार करें इसके लिए कि कल आप मर जाए तो कम अज कम पहली दुआ तो वो करे, जनाजा तो पढ़ाए, और इसी औलाद ने आगे लेकर इस मिशन को चलना है, और वो जहन में रख के आप उसकी तरफ उठान पहले कर उसकी,
कि ये तौहीद के लिए है ये बच्चा, उसका मकसद ये नहीं है कि ये कमाई ना करे, लोगों की कमाई पे पड़ा रहे। बच्चे को पढ़ाएं, अच्छा पढ़ाएं, दुनियावी भी पढ़ाएं उसे। जो चीज दीन में मामनत करती है वो दीन कहलाती है। गाड़ी किसको कहती है? कोई एक पुर्जा नहीं है जिसको गाड़ी कहा जाता हो। मेरे भाई हर पुर्जा दूसरे की सपोर्ट करता है, वो उसकी सपोर्ट करता है। कार्पोरेटर एक चीज का नाम है, उसके अंदर ढेर सारी चीजें पड़ी हुई। ये सब चीजें मिलती हैं तो एक गाड़ी बनती है। दीन किस चीज का नाम? हर वो चीज जो दीन को सपोर्ट करती है उसको आप दीन कहते हैं। अब ये एसी है, ये दीन नहीं। लेकिन जो वो आपको नमाज पढ़ते हो ठंडा करता है, आप नमाज पढ़ने आए, आपको जो भी सहूलत दी जाएगी उसका अजर मिलेगा। लाला जिन लोगों ने प्रोवाइड किया है उनको उसका अजर मिलेगा। दीन बन गया कि नहीं बन गया? दीन के नाम में हम लेते हैं कि नहीं लेते? ये लाइटें हैं, ये घड़ियां हैं, ये और जो भी सहूलियात हैं। तो दीन का मतलब यह है कि वो चीज जो दीन में आपको सपोर्ट करे, वो दुनिया जो दीन की सपोर्ट के लिए है वो दुनिया नहीं है, वो दीन बन जाती है। इसलिए कहा रब्बाना आतिना फिर दुनिया हसन, पहले रखा है दुनिया को, इसकी फिक्र करें, बिल्कुल फिक्र करें इसकी। लेकिन ये दुनिया फिर आखिरत हसना वाली हो, जो आखिरत को बेहतरीन कर दे, आखिरत को तैयार करे। तो आखिरत की बेहतरी के लिए ये दुनिया है। वो बच्चा आप रोटियों का मोहताज मत छोड़ के जाए, अच्छा हो, अफसर हो, वो जब आके नमाज पढ़ाएगा उसका ज्यादा असर होगा बनिस्बत इसके तो वो रोटियों का मुंतजर है। वाह अल्हम्दुलिल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن